नमस्कार, विश्व दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। सियाचिन के जांबाज हनुमंत थप्पा से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सियाचिन में हिमस्खलन के 6 दिन बाद जिंदा निकले लांस नायक हनुमंत थप्पा लेह कैसे मिलने दिल्ली के आरआर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों से लांस नायक का हाल चाल जानने के बाद मोदी ने ट्वीट किया कि उनकी जीवटता और अदम्य साहस को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वह असाधारण सैनिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है और हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि सब अच्छा होगा। मोदी के साथ सेना प्रमुख जनरल दलवीर सिंह भी थे। हनुमंत थप्पा को दिन में 12 बजे वायुसेना के विमान से सियाचिन से आरआर अस्पताल लाया गया था। उनके महत्वपूर्ण अंग सही हैं, लेकिन उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। होटल ताज में लश्कर के निशाने पर थे रक्षा वैज्ञानिक डेविड हेडली का एक और खुलासा। मुंबई की एक अदालत के समक्ष मंगलवार को लगातार दूसरे दिन गवाही देते हुए पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली ने कहा कि लश्कर ए तैयबा ने यहां ताज होटल में भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों पर हमला बोलने की योजना बनाई थी। हेडली ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की ISI ने उसे कहा था कि वह उनके लिए जासूसी करने के लिए भारतीय सैन्यकर्मियों को नियुक्त करे। हेडली ने कहा कि भारत में आतंकी हमलों के लिए मुख्य रूप से लश्कर ए तैयबा जिम्मेदार है और यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सभी आदेश इसके शीर्ष कमांडर जकीर रहमान लखवी की ओर से आए। हेडली ने कहा कि मैं वर्ष 2006 की शुरुआत में ISI के मेजर इकबाल से लाहौर में मिला था। यूपी के मंत्री आजम खान ने पूछा, क्या दाऊद का नरेंद्र मोदी से कोई रिश्ता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कथित मुलाकात के मामले की गूंज मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी सुनाई दी। प्रदेश के नगर विकास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आजम खान ने सदन में मोदी की दाऊद से मुलाकात का मामला उठाते हुए भाजपा से स्पष्ट करने की मांग की कि क्या अंडरवर्ल्ड डॉन से मोदी का कोई रिश्ता है। आजम खान ने सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष द्वारा किए जा रहे शोर शराबे और हंगामे के बीच यह मसला उठाया। उन्होंने कहा कि मोदी पाकिस्तान में दाऊद से मिले थे। PDP प्रमुख से मिलेंगे भाजपा महासचिव राम माधव। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन के बारे में बने गतिरोध को समाप्त करने के लिए नई पहल के तहत भाजपा महासचिव राम माधव अगले सप्ताह PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती से बात कर सकते हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि सईद के निधन के बाद 40 दिनों के शोक की अवधि अगले सप्ताह समाप्त हो रही है और इसके बाद माधव महबूबा से मुलाकात कर सकते हैं। माधव ने PDP के साथ गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमेरिका में सिख अभिनेता को विमान में सवार होने से रोका। एक अमेरिकी सिख अभिनेता वारिस अहलुवालिया को न्यूयॉर्क जा रहे एरो मैक्सिको के विमान में उस समय चढ़ने से रोक दिया गया जब उन्होंने सुरक्षा जांच के दौरान अपनी पगड़ी उतारने से इनकार कर दिया। मैक्सिको की यात्रा पर गए 41 वर्षीय अहलुवालिया ने अपनी और न्यूयॉर्क वापस लौटने के लिए एरोमिक्स की एक उड़ान के बोर्डिंग पास की एक फोटो ली और एक शीर्षक में लिखा कि उन्हें विमान में सवार होने से रोका गया। अहलुवालिया ने बताया कि मैक्सिको सिटी के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के एरोमैक्सिको काउंटर पर पहुंचे और उन्हें एक कोड के साथ प्रथम श्रेणी का बोर्डिंग पास दिया गया। इस कोड का मतलब था कि उन्हें दूसरी बार सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।